हाय गाइस, सोनी राय दिस साइड एंड वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट एंड प्रिसाइज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट क्लास में जो है मैंने आपको करवाया था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको वो क्लियर हो गया हो। इस क्लास में आज जो हमारी क्लास फोर्थ है आपके साथ, उसमें मैं आपको कराऊंगी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो गाइस, सबसे पहले देखते हैं प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। सी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एक बिजनेस का जो है डायमेंशंस बहुत वाइडर होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स डे टू डे अर्ज होती हैं। सो प्रिंसिपल्स बेसिकली क्या होते हैं? कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं, कुछ ऐसी गाइडलाइंस होती हैं जो किसी ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट्स के पे बेस्ड होती हैं, जो कि मैनेजर को जो है गाइडलाइन प्रोवाइड करती है कि उन्हें क्या सिचुएशन कैसे हैंडल करने हैं। सो हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल्स इज अ स्टेटमेंट और ट्रूथ प्रोवाइडेड टू मैनेजर टू टैकल द सिचुएशन। बिकॉज क्या होता है, डे टू डे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। सो हर एक चीज का ऑन द स्पॉट मैनेजर जो है प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल सकता। सो इसके लिए उनको मैनेजर्स को जो है कुछ गाइडलाइंस, कुछ प्रिंसिपल्स दिए जाते हैं जिससे जो है वो सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। आगे जो है प्रिंसिपल्स आपको और क्लियर होंगे कि बेसिकली ये क्यों बनाए जाते हैं आगे जब हम इनके प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। सो सबसे पहले आप ये समझिए कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। इट इज अ स्टेटमेंट जो कि किसी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होती हैं, जो कि है मैनेजर को गाइडलाइन प्रोवाइड करती हैं कि क्या सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है, किस सिचुएशन में उन्हें क्या चीज करनी है। ओके, अब इस चैप्टर में जो है हम हेनरी फ्योल, जो कि हमारे एक फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने जो है 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो सबसे पहला जो उनका प्रिंसिपल था वो था डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपरली एंड एफिशिएंटली काम करना है तो आपको जो है सबको प्रॉपर काम डिवाइड करना पड़ेगा स्मॉल पार्ट में। अगर आप एक ही काम एक ही किसी पर्सन पे डाल देते हैं तो वो बर्डनड हो जाएगा और वो इतनी इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पाएगा। सो सबसे पहले अपने काम को प्रॉपर तरीके से कराने का फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट प्रिंसिपल ये है कि उसे डिवाइड कर दो बहुत सारे लोगों में। ओके, देन सेकेंड आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फ्योल ने ये बताया कि अगर मैनेजर जो है अपने सबॉर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है किसी काम की, तो उसको परफॉर्म करने के लिए मैनेजर को अपने सबॉर्डिनेट को एक प्रॉपर अथॉरिटी भी देनी चाहिए। प्रॉपर अथॉरिटी, अथॉरिटी मीन्स पावर, कि अगर वो रिस्पॉन्सिबल बना रहा है किसी पर्सन को कि हाँ ये काम मुझे इस टाइम पे प्रॉपर चाहिए, तो उसके लिए जो भी प्रॉपर रिक्वायर्ड अथॉरिटी है, रिक्वायर्ड पावर है, वो उसको अपने सबॉर्डिनेट को देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे हम एक बार रीड आउट कर लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाए। इफ अ पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स वर्क देन ही मस्ट बी गिवन अथॉरिटी। अगर किसी पर्सन को रिस्पॉन्सिबल किया जा रहा है कि वो ये काम करके दे टाइमली, तो ऑब्वियस है कि उसे प्रॉपर अथॉरिटी भी प्रोवाइड होनी चाहिए। देन जो हमारा थर्ड प्रिंसिपल है डिसिप्लिन, बहुत ही सिंपल सा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो मस्ट रिक्वायर्ड है वो डिसिप्लिन होना चाहिए। मींस कि ये नहीं कि एम्प्लॉयज जो हैं वो कहीं भी कितने टाइम का भी ब्रेक ले रहे हैं या फिर वो काम को कैसे निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें सारी नहीं होनी चाहिए। एक प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में। देन हमारा आता है फोर्थ प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ कमांड। सी, ये जो मैं सारे प्रिंसिपल्स आपको 14 प्रिंसिपल्स करा रही हूँ, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। एंड यहाँ पे तो मैंने है जो शॉर्ट में लिखा है बिकॉज मुझे यहाँ पे आपको क्लियर करवाना है मीनिंग से, लेकिन आप एग्जाम में बिल्कुल ऐसे मेंशन नहीं करेंगे। आपको एक प्रॉपर, जैसे जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बुक बताई थी, आप उसे प्रेफर करेंगे और उसमें जैसे मेंशन है वो चीज़ें वैसे ही मेंशन करेंगे सारे ये जो प्रिंसिपल्स हैं। एंड एग्जाम में वो पूरा आता है, ऐसे 6 प्रिंसिपल या 7 प्रिंसिपल आपको मेंशन करने होते हैं। ओके, सो एंड कभी कभी वो एक प्रिंसिपल दे देते हैं एंड उसको आपको एक्सप्लेन करना होता है विद एन एग्जाम्पल। सो ये चीज़ें आती हैं आपके एग्जाम में, तो आपको हर एक प्रिंसिपल बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। देन हम बैक टू द स्टडी, हम यूनिटी ऑफ कमांड पे आते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड का मीनिंग है यहाँ पे कि एक इंडिविजुअल को
को एक ही सुपीरियर अगर कमांड दे तो उसके लिए ज़्यादा क्लियर होता है अपने काम को परफॉर्म करना। अगर बहुत सारे सुपीरियर उसे ऑर्डर दे रहे हैं, कोई बोलेगा कि आप इस काम को ऐसे परफॉर्म करें, कोई बोलेगा इस काम को नहीं वैसे परफॉर्म करना है, तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा एंड वो अपना एफिशिएंट वर्क नहीं कर पाएगा। सो यूनिटी ऑफ कमांड के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग जो ये होगा कि एक इंडिविजुअल को एक ही सुपीरियर जो है इंस्ट्रक्शंस दे। देन हमारा फिफ्थ प्रिंसिपल आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। मैं इसको और क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर मेंशन हो जाए। फिफ्थ जो हमारा प्रिंसिपल है वो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जो कि आपको सुनने में बिल्कुल यूनिटी ऑफ कमांड लगेगा, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये बहुत ही डिफरेंट है दोनों एक दूसरे से। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है ओनली वन हेड फॉर वन ग्रुप। मतलब कि मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, एक ऑटोमोबाइल कंपनी है जैसे, तो वो जो है एक स्कूटर भी मैन्युफैक्चर करते हैं और कार भी। सो दोनों ही स्कूटर और कार, दोनों ही जो ऑटोमोबाइल्स हैं, दोनों के अलग अलग पार्ट्स होंगे, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा, तो इन दोनों के ही अलग अलग हेड्स होने चाहिए। मींस कि कार मैन्युफैक्चरिंग का जो हेड है उसे नहीं पता कि स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए या फिर क्या प्रोसेस होना चाहिए। सो इसी के लिए दोनों के लिए ही अलग अलग हेड्स होने चाहिए जो दोनों की मैन्युफैक्चरिंग को फोकस कर सके। तो ये होता है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, मींस के डायरेक्शन जो है हमेशा वन हेड से ही मिलनी चाहिए। देन हमारा सिक्स्थ जो है प्रिंसिपल आता है रिमनरेशन टू एम्प्लॉयज, मींस कि एम्प्लॉयज को, एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि एम्प्लॉयज को जो है उनकी एफिशिएंसी, उनके वो जितना काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर रिमनरेशन मिलना चाहिए मंथली, वो चाहे मंथली बेसिस हो या जैसे भी कंपनी पे कर रही है, पर इट शुड बी इन अ प्रॉपर मैनर। ओके, देन सेवन्थ जो हमारा प्रिंसिपल आता है वो आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग समझेंगे हम। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जब जो मैनेजर है उसके पास जितनी भी पावर है वो अपने अंडर ही रख रहा है एंड वो जैसा चाहता है वो अपने अकॉर्डिंग अपने सबॉर्डिनेट से अब काम करवा रहा है। ठीक है, मींस कि यहाँ पे कोई पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, एम्प्लॉयज को वो कोई पावर नहीं देता मैनेजर कि वो अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, वो जैसा कहे वैसा ही उसके सबॉर्डिनेट्स को करना पड़ता है। ओके, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जहाँ पे जो मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉयज को, अपने जो उसके अंडर सबॉर्डिनेट्स आते हैं उनको पूरी फ्रीडम दे देता है कि वो अपने अकॉर्डिंग, अपने जैसे उनको काम ठीक लगता है वैसे वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में डिपेंड करता है ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉई। इसका आगे जो है पूरा एक प्रॉपर चैप्टर भी है, वो मैं आपको उसमें क्लियर कराऊंगी प्रॉपर तरीके से, बट अभी के लिए सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, आप उसे समझ लेंगे अच्छे से। सो सेंट्रलाइजेशन मीन्स कि जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन पावर का बिल्कुल भी नहीं होता एंड डिसेंट्रलाइजेशन जहां पे पूरी फ्रीडम होती है एम्प्लॉयज को, वो अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। ओके, देन आता है हमारा एट्थ जो हमारा प्रिंसिपल है वो आता है ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट शुड बी प्रायोरिटी। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन में दो इंटरेस्ट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का अपना बेनिफिट और एम्प्लॉयज का अपनी तरफ से अपना बेनिफिट। सो सबसे पहले हर एक एम्प्लॉय के लिए जो आना चाहिए वो आता है ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट, किस चीज में क्या करने में एक ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट है वही करेंगे, इंस्टेड ऑफ ये देखे बिना कि उसमें मेरा बेनिफिट है या नहीं है। हर एक एम्प्लॉय को ये प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। ओके, देन हमारा आता है नाइन्थ पॉइंट स्केलर चेन। स्केलर चेन जो है वो बेसिकली डिफाइन करता है कि किस एम्प्लॉय के पास ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा अथॉरिटी है से लेके किस एम्प्लॉयज के पास सबसे कम अथॉरिटी है। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे जो है मेंशन किया हुआ है थ्रू डायग्राम ऑल्सो। स्केलर चेन क्या होता है, रेफर्स टू फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी मूव्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। मतलब सबसे ज्यादा अथॉरिटी किसके पास है से लेके सबसे कम अथॉरिटी किसके पास है, वो जो एक चार्ट होता है उसे हम कहते हैं स्केलर चेन। ये हम इस ट्रायंगल से आप देख सकते हैं कि ए के पास जो है सबसे ज्यादा अथॉरिटी है, देन बी सी डी ई एफ और ऐसे ही इधर साइड पे। सो इट इज बेसिकली अ ट्रायंगल कि सबसे पहले अथॉरिटी, सबसे ज्यादा अथॉरिटी किसके पास है से लेके डाउनवर्ड जैसे जैसे वो डाउन होती जा रही है अथॉरिटी। ओके, सो स्केलर चेन आई होप आपको क्लियर है। एंड मैं बता भी दूं कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में
वो पूछते हैं कि व्हाट इज स्केलर चेन डिफाइन, तो आपको ये सारी चीजें विद डायग्राम मेंशन करनी होगी, बुक में भी मेंशन है आपके. ओके, देन प्रिंसिपल्स पे हम दोबारा से आते हैं. सो हमारा 9th प्रिंसिपल है ऑर्डर, मींस कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पर्सन वर्किंग है उसको वही काम दिया जाना चाहिए जिसमें वो परफेक्ट है, जिसे वो अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकता है. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप एक जो कंटेंट राइटर है उसको आप आईटी से रिलेटेड कुछ काम देते हैं, तो वो परफॉर्म बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा. सो एक कंपनी में एक मैनेजर को ये प्रॉपर तरीके से देखना चाहिए कि किस पर्सन को कौन सा काम हम दे रहे हैं. ओके, देन आता है इक्विटी. इक्विटी बहुत ही सिंपल है कि जो भी एम्प्लॉयज है हमारे वो हमारे लिए इक्वल है, उसमें कोई भी मैनेजर को डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए. देन आता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल. देखिए, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा मूव कर रहे हैं, मींस कि न्यू एम्प्लॉयज आ रहे हैं या फिर जो हमारे पुराने एम्प्लॉयज हैं वो जा रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, सो ये भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल नहीं होता. सो एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक मैनेजर को सबसे पहले जो है वो अपनी पर्सोनल की स्टेबिलिटी पे फोकस करना चाहिए कि एम्प्लॉयज जो है वो किसी भी रीजन से बहुत ज्यादा मूव ना करें कंपनी से. ओके, देन आता है इनिशिएटिव. इनिशिएटिव से मेरा जो मतलब है यहाँ पे वो ये है कि हर एक एम्प्लॉय को पूरा चांस देना चाहिए कि वो जो जिसमें वो परफेक्ट है या फिर जिसमें भी वो परफेक्ट है उसे पूरा चांस देना चाहिए कि उसे वो मौका मिले कि वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सके अपने मैनेजर के सामने. सो ये चीज एक मैनेजर को पूरी तरह से ध्यान देनी चाहिए. देन आता है स्पिरिट डी कॉप्स. स्पिरिट डी कॉप्स का मतलब है टीम स्पिरिट. मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर को ऐसा एनवायरमेंट बना के रखना है कि जो एम्प्लॉयज हैं उनके अंदर एक टीम स्पिरिट हो कि हाँ हमें ये काम करना है फॉर द बेनिफिट ऑफ आर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द बेनिफिट ऑफ आर सेल्फ. तो ये बेसिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैनेजर की होनी चाहिए कि वो एक टीम स्पिरिट प्रॉपर तरीके से कंपनी में बना के रखे. सो ये जो है हमारे पूरे 14 प्रिंसिपल्स थे जो कि हेनरी फ्योल, मैंने आपको बताया, उन्होंने दिए थे. एंड ये आपको बहुत अच्छे से करने हैं, एग्जाम में ये जरूर आएंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है. होप आपको ये सब क्लियर होगा. मैं एक बार पूरा आपको नोट करवा देती हूँ. हालांकि आप यहां से नोट नहीं करेंगे बिकॉज मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, आप अपनी बुक से ही इसे प्रेफर करेंगे. मीनिंग के लिए आप इसे सुन सकते हैं. आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो. So thank you so much guys for watching my video and please like and subscribe my channel. Okay, thank you. Stay home and stay safe. Bye.